इससे पिछले वीडियो में हम ये जाने थे अगर आपको कंफर्म टिकट बुकिंग करने हैं तो आपको कौन सा वेटिंग टिकट बुकिंग करना चाहिए, कौन सा वेटिंग बुकिंग करना चाहिए जिससे आपका कंफर्म टिकट कंफर्म होने के चांसेस बढ़ जाए और जल्द से जल्द आपका टिकट कंफर्म हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टिकट कंफर्म करने की एक ऐसी टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आपका टिकट जो कि अगर वेटिंग में भी है तब भी आप कंफर्म टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना पड़े। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के नॉलेज में वीडियो हम लाते रहते हैं, उसके बाद साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो अगर ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर हिंदी। दोस्तों आप अगर आप भी चाहते हैं कि कंफर्म टिकट बुकिंग करना है तो सिंपल सा आपको यहाँ पे कंफर्म टिकट एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल से लॉगिन कर लेंगे। मोबाइल से लॉगिन करने के बाद जैसे कि हम एक टिकट बुकिंग करना चाहते हैं दिल्ली से कानपुर का 9 मार्च का हम एक टिकट बुकिंग करेंगे। तो आपको मैं दोस्तों बता दूं ये टिकट सर्च में कर लेना है, ऐसे दिल्ली और कानपुर लिख के आपको यहाँ पे सर्च कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ तो आपको ये तरीका में से आप कन्फर्म टिकट पा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक ट्रेन का टिकट बुकिंग करेंगे जो कि यहाँ पे बोल रहा है नेताजी एक्सप्रेस का। तो हम यहाँ पे स्लीपर में अगर चेक करते हैं तो देखते हैं हमारा 60 वेटिंग आ रहा है जो कि 52% चांस है कि यहाँ पे कंफर्म होगा कि कम चांस है, जो कि कंफर्म होने के चांस बहुत ही कम होता है। उसके बाद थ्री टाउन में देखते हैं, थ्री टाउन में भी 58% चांस है जो कि 20 वेटिंग आ रहा है, इसमें भी हमारा कन्फर्म टिकट होने कन्फर्म होने की चांस जो कि कम है। सेकेंड टाइम में हम अगर देखते हैं तो यहाँ के 5 वेटिंग आ रहा है जो कन्फर्म होने के चांस थोड़ा ज़्यादा है, 67% है। लेकिन दोस्तों आप सोचते हैं कि हम वेटिंग टिकट नहीं बुक करना चाहते, हम रिस्क नहीं लेना चाहते कि अगर टिकट कंफर्म नहीं हो तो हमें जाना ही पड़ेगा, इसलिए वैसे हम वेटिंग टिकट बुकिंग नहीं करना चाहते, तो मैं आपको एक अल्टरनेट ऑप्शन बताता हूं जो कि आप यहां से देख सकते हैं। सेकंड एसी में आपको उसके साइड में ही आपको यहां पे CNF का ऑप्शन आपको देख दिया जाएगा, यानी कंफर्म अल्टरनेट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे सेम ट्रेन में आपको यहाँ पे कंफर्म अल्टरनेट ऑप्शन का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि आपको उसी ट्रेन में अगर आप ये टिकट कालका से बुकिंग करते हैं कानपुर सेंट्रल के लिए तो आपको यहाँ पे थोड़ा फेयर तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा लेकिन सीट आपको कन्फर्म ही मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल 9 सीट है लेकिन आपको यहाँ पर फेयर थोड़ा बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर आपको कन्फर्म सीट चाहिए। तो आपको क्या करना है, कालका से कानपुर सेंट्रल बुकिंग कर लेना है और आपका बोर्डिंग जो है कि स्टेशन आदर्श नगर, यानी जो आपका दिल्ली है जहाँ पे बैठना है आपको उस स्टेशन को दे देना है, यहाँ पे आपको दिल्ली सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आप अपना कंफर्म टिकट पा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप दूसरा ट्रेन देखना चाहते हैं दूसरा ट्रेन भी आपको यहाँ पे इस तरीके देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको स्लीपर में यहाँ पे नहीं दिख रहा है, थर्ड एसी में भी नहीं दिख रहा है, थर्ड एसी में दिख रहा है, देख रहे 16 वेटिंग आ रहा है, तो आप यहां से कंफर्म टिकट ले सकते हैं। जैसे कि आप यहां अल्टरनेट ऑप्शन में क्लिक करेंगे इसी तरीके से देख सकते हैं यहां पे अगर आप एक टिकट बुकिंग करना चाहते हैं कानपुर के लिए दिल्ली से तो आपको यहां पे दीनानगर से बुकिंग करना है कानपुर सेंट्रल तक, आपको अपना बोर्डिंग स्टेशन दिल्ली कर देना है। इसी तरह आप यहाँ से देख सकते हैं 5 आपको सीट दिख रहा है लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से बुकिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका रेंट जो है इसका किराया जो है दिल्ली से कानपुर का 720 रुपये, लेकिन आपको बुकिंग करना पड़ेगा 1320 रुपये देके अगर आपको कंफर्म सीट चाहिए। तो इस तरीके से आप कोई भी ट्रेन टिकट में अगर कंफर्म सीट चाहिए तो आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा आपको वेटिंग टिकट बुकिंग नहीं करना पड़ेगा, आपको कंफर्म टिकट मिल जाएगा कुछ थोड़ा बहुत पैसे आपको ज्यादा खर्च करके।